कालानगरी इंडस्ट्रियल एरिया में बताओ यार। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फर्नेस में ब्लास्ट और उसके बाद आग की घटना हुई। जैसे सूचना प्राप्त हुई है उसके बाद जो फायर सेफ्टी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अभी वर्तमान में पूरी तरफ से आग बुझा दिया गया है, पूरी तरफ से सिचुएशन कंट्रोल में। जो इंसिडेंट में 5 लोग घायल हुए हैं जिनको अभी जेएनएमसी में शिफ्ट किया गया है। जेएनएमसी में एमरजेंसी में हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है, सीएमओ एसीएम और पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है उनको समुचित उपचार सुनिश्चित हो। 2 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है और अभी वर्तमान में हमारी टीम सारे अधिकारी हम और कप्तान साहब भी मौजूद हैं और अभी सिचुएशन को असिस्ट। सर आग सर बुझाने के कारण क्या लिए था? देखिए, जैसे अभी सबसे पहला प्राथमिकता तो ये है कि आग को कंट्रोल में लाएं। आग बुझा दिया गया है और अभी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा इस घटना के जो कारण उसके संबंध में विस्तार में परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। सर क्या काम होता था इस फैक्ट्री में कुछ? देखिए, सरिया का काम जो यूपी सीडा की जो टीम यहाँ पे मौजूद है और जो स्थानीय लोगों के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ पे सरिया का काम होता है और उसी फर्नेस में ही एक्सप्लोजन। सर कितनी दमकल की गाड़ियां हैं बुलानी पड़ी? देखिए, यहाँ पे आग को काबू पाने के लिए जनपद के अंदर से भी और जो अगल बगल के जनपदों से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गई थी। वर्तमान की स्थिति में फायर इज अंडर कंट्रोल और पूरी तरह से।